नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और आज हमारे सामने हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ रही हैं पैरालंपियन और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक। बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी आपका। नमस्कार। थैंक यू जी। नमस्कार। आपके बारे में जितना बताएं कम है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के लोग हैं वो एक तरह से आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में जो आपकी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है वो हो गया, पद्मश्री से नवाजा गया आपको 2017 में, अर्जुन पुरस्कार 2012 में, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है और न जाने कितनी गतिविधियां हैं वो आप उसके अंदर आपका नाम शामिल है, चाहे वो जेवलिन थ्रो का हो, शॉर्ट पुट हो और मोटर रेसिंग है उसकी आप खिलाड़ी रही हैं। लेकिन आज जो मकसद है वो कुछ और है, वो ये है कि पैरालंपियन की टीम है वो जा रही है टोक्यो। आज मुखातिब भी हुए आप प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, तैयारियां हैं। पहले तो कैसा रहा वो इंटरेक्शन, वो ही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि जब वो खेले तो भारत उसका खेल देखे, जाने, उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका सैक्रिफाइस और उसका जो उसकी जो जर्नी है उसको एक पहचान मिले, ताकि जब वो वहां जाए अपने तिरंगे को लहराए तो उसे लगे कि पीछे 135 करोड़ भारतीय हैं जो उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, उसके लिए उसका खेल देख रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं जुड़ते हैं तो ये सपना एक खिलाड़ी का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वो पूरे देश के प्रतिनिधि है और 135 करोड़ भारतीयों का जितनी भी शाबाशी है, शुभकामनाएं हैं, वो एकदम से आगे आ जाती हैं जब स्वयं प्रधानमंत्री खिलाड़ी से बात करते हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही यादगार दिन है मेरे लिए, अपने लिए भी, कि एक और मौका मिला मुझे आदरणीय मोदी जी से मुखातिब होने का। और इस बार एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल में मैंने अपना योगदान दिया है खेलों के माध्यम से, मेरी जो जर्नी रही है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की, लेकिन ये रोल शायद मैं सबसे ज्यादा इसको अपना दायित्व या अपना सौभाग्य समझ रही हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरों के सपनों के साथ जुड़कर, उनकी मेहनत में अपनी मेहनत जोड़कर, एक ऐसी तैयारी में जुटी हुई हूँ जिसमें पूरे देश का नाम होने जा रहा है। मेरा सवाल दरअसल यही था, बतौर प्लेयर तो एक इंडिविजुअल आपका डिसिप्लिन, आपकी अपनी तैयारी, आपका अपना टैलेंट, लेकिन एक टीम के अंदर अलग अलग तरह के लोग, और जाहिर तौर पर जब भारतीय टीम का वो हिस्सा है तो काबिलियत के मामले में तो कम नहीं होंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनको डिसिप्लिन में रखना, तमाम चीजें एक तरह का बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस आपका रहा है, कैसा अनुभव रहा तैयारियों के लिहाज से? देखिए, मैंने जब प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी का एक दायित्व संभाला तो उसके संभालते ही 10 दिन के अंदर कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया। जिस वक्त सब टोक्यो की तैयारी में लगे हुए थे, तो वही वाली बात है, कुआं खोदो और पानी निकालो, क्योंकि कोई नहीं समझा पा रहा था कि पैंडेमिक के तहत कैसे एक फेडरेशन चलाई जाती है। सब कुछ नया था, लेकिन जो पुराना था वो अपने खिलाड़ियों का साथ, क्योंकि खिलाड़ी सब मेरे साथ खेले हुए हैं, जो नए भी हैं वो भी शायद मुझे खिलाड़ी के रूप में ज्यादा देखते हैं, तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन, उनके साथ बातें करना, उनकी तकलीफें जानना, वो एक बहुत आसानी से मेरे तक पहुंच सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा उनके अंदर संकोच नहीं था, कोई हिचक नहीं थी कि ये प्रेसिडेंट हैं, इनसे हम बात करें या क्या होगा। उन्हें पता था कि ये खिलाड़ी हैं, हमारी हर बात को समझेंगी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये पद मैं बड़ी आसानी से निभा पा रही हूँ, और साथ में जो बाकी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं वो सब मेरे सीनियर रहे हुए हैं, मैं पिछले 15 साल से उन्हीं के साथ में, मैं उन्हीं के अवगाही में मैं भी खेल रही हूँ, तो एक माहौल अच्छा रहा। बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे होने से एक जो कम्युनिकेशन गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और एथलीट का, शायद मैं वो ब्रिज कर पाई, और साथ तो बहुत रहा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री का भी, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग, प्लानिंग, प्रोग्राम, इक्विपमेंट, प्रोस्थेटिक्स, फंडिंग, बहुत सारा सपोर्ट गवर्नेंस से बहुत आया।
और जब मैं गवर्नेंस की बात करती हूँ तो आदरणीय मिनिस्टर कहूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री कहूँ, खेल मंत्री कहूँ, सभी बहुत करीब से जुड़े रहे इस सफर में, तो मेरे को काफी सहयोग मिला हर तरफ से। आपने कहा कि एक खिलाड़ी होने का फायदा मिला, इस देश के अंदर ये बहस चलती है कि खेल संघों के अंदर खिलाड़ी हैं उनकी भूमिका है वो ज्यादा होनी चाहिए, कुछ हैं वो प्रशासक हैं वो बेहतर मानते हैं, क्या आपका अनुभव रहा है, क्योंकि आपने दोनों ही चीजों को आप अब देख रही हैं। देखिए ये गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके बिना शायद गाड़ी सही बैलेंस नहीं कर पाएगी। बहुत जरूरी है खिलाड़ी की आवाज की भी और बहुत जरूरी है प्रशासन के कुछ एक्सपर्ट्स के होने के भी। बिना गवर्नमेंट बिना प्रशासन इसको एक मार्गदर्शन देना बहुत मुश्किल है, और मार्गदर्शन में आसानी तब हो जाती है जब वो मार्गदर्शन एथलीट सेंट्रिक हो जाता है कि तैयारी करनी है लेकिन खिलाड़ी के लिए करनी है और ऐसे करनी है। तो तैयारी कराने वाले जो प्रशासन है उनका योगदान भी उतना जरूरी है जितना योगदान खिलाड़ी के सपोर्ट का भी है। पेंडेमिक के दौरान आपने जिक्र किया कि मुश्किलात रही, थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि इस कोरोना के काल में ओलंपिक होंगे या नहीं होंगे, इसी को लेके कंफ्यूजन था, और ऐसे में ओलंपिक भी हो रहे हैं, पैरालंपिक है वो भी अभी हो रहे हैं, तो प्रिपरेशन के लिहाज से कितना मुश्किल रहा आम जो पुराने ओलंपिक के जो इवेंट्स हुए और इस बार का जो ओलंपिक है। देखिए ये तो गर्व की बात है कि ये सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है। आप पिछले वर्ष से पिछले ओलंपिक से कंपेयर पैरालंपिक से कंपेयर करें तो पिछले पैरालंपिक में मात्र 19 खिलाड़ी गए थे जिसमें से 3 महिलाएं थी, इस बार 54 खिलाड़ी जा रहे हैं, 9 अलग अलग डिसिप्लिन में जा रहे हैं और 14 महिला खिलाड़ी जा रही हैं। तो अपने आप में आप देखिए कि प्रोग्रेस बहुत हुई है, लेकिन पैंडेमिक के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल कम हुए हैं। अगर ये खेल होते रहते और क्वालिफिकेशन मिलती तो हमारे कई खिलाड़ी और भी हैं जो नया टैलेंट भी था और भी उनको मौका मिलता तो शायद ये कंटिंजेंट का साइज और बड़ा होता, खासकर पावर लिफ्टिंग में। मेरे को थोड़ी सी उदासी है वहाँ कि हमारे पावर लिफ्टर्स को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला विदेश में जाके खेलने का, क्योंकि इंडिया के खिलाड़ियों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था कोविड के चलते हुए, तो वो एक बहुत नुकसान रहा खिलाड़ियों का, क्योंकि जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों पे खेलते नहीं है, आपको वर्ल्ड रैंकिंग नहीं मिलती है, आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलती है और आपका नाम जो MQS लिस्ट है उसमें नहीं आता है, तो उससे कोटा एलोकेशन फिर कम आता है। ज्यादा खिलाड़ी खेलते ज्यादा क्वालिफाई करते तो कोटा भी ज्यादा आता, तो बहुत ज्यादा और खिलाड़ी भी जा पाते, लेकिन जितने खिलाड़ी जा रहे हैं उन्होंने कोविड को कभी बहाना नहीं बनाया, उनकी तैयारी निरंतर चली, हमेशा नए नए तरीके निकाले गए, चाहे वर्चुअल ट्रेनिंग दी गई, चाहे उनको उनका जो समय था जिसमें वो बाहर नहीं खेल पाए तो उनको मेंटल ट्रेनिंग पे वेबिनार्स दिए गए, उनको न्यूट्रिशन पे, इंजरी मैनेजमेंट पे, सही प्रोस्थेटिक्स पे, असिस्टिव एड्स पे, और सबसे अच्छी बात ये रही जिसका मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमने जितने भी IPC के रूल थे, जितनी भी चीजें थी जो अंग्रेजी माध्यम में इंटरनेट पे मिलती है, हमने उनको हिंदी की सरल भाषा में कन्वर्ट करके वेबिनार के रूप में एक लाइब्रेरी की तरह हमने ऑनलाइन रखा है, ताकि खिलाड़ियों को और खाली खिलाड़ियों को नहीं, जैसे आप जैसे हम जैसे कोई भी आम व्यक्ति अगर क्यूरियोसिटी जिसको रहती है तो वो जरूर YouTube के माध्यम से उन वेबिनार्स को देख के समझ सकते हैं कि दिव्यांग खेलों का रूप क्या है, रूपरेखा क्या रहती है, क्या रूल्स रहते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्या मेडिकल क्लासिफिकेशन होता है, ताकि आप जब देखें तो आप और गर्व से देखें कि भारत के खिलाड़ी कितना अच्छा कर रहे हैं। इस बार आपने कहा कि सबसे बड़ा हमारा दल है, 9 स्पोर्ट्स इवेंट है और 754 आपके पैरा एथलीट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ये क्या मतलब आपने सोचा था कि ये इस तरह से मैं बड़ा एक दल लेके जाऊंगी, या ये चीजें उस रूप में ओलंपिक को लेकर या खेलों को लेकर पैरालंपिक को लेकर अवेयरनेस बढ़ी उसका ये नतीजा है, ये स्वाभाविक है या बहुत ऑर्गेनाइज वे में आप इस नहीं देखिए थोड़ा तो ऑर्गेनाइज वे डेफिनेटली प्लान करना ही पड़ा था, सही वक्त पे सही खिलाड़ियों का चयन करना, टैलेंट आइडेंटिफाई करना
उसको नर्चर करना, उनको कैंपों में रखना, उनको संभाल के रखना, बायो बबल में रखना, उनको शिक्षित रखना कोविड के प्रति, और अगर हो भी गया है तो फिर उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना, उनको सही वक्त पे हॉस्पिटलाइजेशन देना, दवाई देना, क्वारंटीन देना, उनका मनोबल बढ़ा के रखना। तो प्लानिंग तो खैर बहुत गई है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी की और कैंप्स की भी बहुत मेहनत रही है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि 2016 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में पैरालंपिक के बारे में लिखा, कहा, अपने ट्विटर हैंडल से कहा, तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी का फोकस और एक प्रधानमंत्री और खेल मंत्री स्वयं जब इन खेलों को बढ़ावा देते हैं तो ऑर्गेनिकली डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। आज जब मैं रियो की तैयारी करके जा रही थी देश के लिए, तब इतनी बातचीत नहीं थी पैरा खेलों के बारे में, लेकिन आते ही जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने हमारी सराहना करी, हमारे को बराबर का सम्मान मिला, एकदम से जो इन खेलों के प्रति मीडिया का भी जो रुझान है, क्योंकि आम व्यक्ति तक ये बात मीडिया पहुंचाती है, वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा अवेयरनेस लाने का। तो बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बार मीडिया का भी, क्योंकि इस बार मुझे लगता है पैरालंपिक खेलों को भी उतना ही प्यार मिला है जितना ओलंपिक खेलों को मिला है। और ओलंपिक में तो भारत ने जिस रूप में प्रदर्शन किया है, टोटल 7 मेडल मिले जिसमें गोल्ड है, और हॉकी में 41 साल के बाद में एक मेडल मिला है जी। किस तरह की फीलिंग है और पैरालंपिक जो होने जा रहा है उसको लेकर खिलाड़ियों में इस अचीवमेंट का क्या कोई असर देख पा रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी में, उनके माइंडसेट में? देखिए, जब इतिहास रचा जाता है, 100 वर्ष में पहली बार एथलेटिक्स का मेडल आता है और 41 वर्ष के बाद हमारी हॉकी की टीम, और केवल वही टीम नहीं जिसने ब्रॉन्ज जीता, महिला खिलाड़ियों ने भी बहुत कमाल का एक प्रदर्शन दिया है। बार बार मेडल आ रहे हैं, जैसे हम कहें कि पीवी सिंधु का रिपीट मेडल आया है, तो ये सब बहुत हौसला अफजाई देती है खिलाड़ियों को। और खिलाड़ी खासकर भाला जब फेंका है, तो हमारे खुद के बहुत भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 हैं और ऑलरेडी रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, तो मुझे लगता है उससे उनका हौसला और बढ़ गया है जी। इस बार क्या जो आपके साथ में टीम जा रही है, हालांकि बड़ा काल्पनिक होगा कि वहां दुनिया के स्तर पर किस तरह से मुकाबला होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं तो इतना बड़ा जो एथलीट का जो दल है, कितने हम पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेडल है वो हिंदुस्तान के खाते में आएगा, तैयारियों के लिहाज से बता दीजिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम मेडल का कोई प्रेशर अपने खिलाड़ियों पे नहीं डाल रहे हैं, और उन्हीं की बात को दोहराते हुए कहती हूँ कि अपना शत प्रतिशत दीजिए। मेरे खिलाड़ी जिस तैयारी के साथ आज जा रहे हैं वो अपना शत प्रतिशत दे देते हैं तो ढेरों मेडल आने की उम्मीद है। कई ऐसे हैं, आप तो लेकर आई हैं, देवेंद्र झांझड़िया और अन्य ऐसे खिलाड़ी थे जो पदक है वो लेकर आए, कोई स्पेसिफिक जो कोई स्पोर्ट्स ऐसा इवेंट है जिसमें आपको लगता है कि मेडल आए? चलिए, खिलाड़ी की अपनी तैयारी है, बट उसके अंदर हमें लगता है कि इंडिया है उसने अच्छी तैयारी की है, इस जोनर में अच्छी तैयारी की। जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें हैं, खासकर टीम इवेंट में मुझे काफी उम्मीदें हैं, मिक्स टीम का जो एक है, क्योंकि अब लड़की ने भी क्वालिफाई कर लिया है, और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हरविंदर, तो उनके हाथ में काफी एक्सपीरियंस है। चिकारा जो है और राकेश जी जिनसे आज बात करी, सब काफी अच्छे, वो कहते हैं ना, वो दिन अगर उनका रहा तो जरूर मेडल चमकेगा। अब मैं आती हूँ बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में हमारी जो पलक और पारुल की जोड़ी है, एक तरफ अनुभव है, एक तरफ यूथ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। पारुल जी नंबर 1 रही हैं कई सालों से, तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत है, एलवाइस हैं हमारे जो डीएम भी है नोएडा के, और तरुण हैं, ये सब पैरा बैडमिंटन के बहुत अच्छे नामी गिरामी नाम हैं, और प्रमोद भगत भी वर्ल्ड नंबर 1 है। तो अगर इनकी सीडिंग देखी जाए, इनकी लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैं देखूं,
तो इस टीम से भी उम्मीद उभर कर आ रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद उभर कर आ रही है। अब अगर मैं शूटिंग की बात करती हूँ तो जो रूबीना है वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उन्होंने मेडल के लिए अपनी क्वालिफिकेशन ली है। अवनि लेखरा यंग बच्ची है लेकिन बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे पॉइंट से क्वालिफाई हुई है और एक नहीं दो नहीं तीन तीन इवेंट्स में वो पार्ट लेंगी, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सिंगराज है, शूटिंग की टीम भी हमारी स्ट्रांग लग रही है, और स्विमर है हमारे सुयश जादव बहुत फॉर्म में है, क्योंकि जब वो मुझसे बात करते हैं, जब उनके कोच मुझसे बात करते हैं, तो हमने कहीं बहुत उम्मीद उन पे नहीं लगाई थी क्योंकि स्विमिंग बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने फिटनेस लेवल इतना अच्छा अचीव कर लिया आउटसाइड द पूल कि आज की डेट में वो टचवुड बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। तो देखिए इतिहास रच सकता है स्विमिंग पूल में भी, और एथलेटिक्स तो खैर हमारा स्ट्रांग आर्म है ही, एथलेटिक्स के अंदर हमारे 8 तो जेवलिन प्लेयर ही हैं जो टॉप रैंकिंग्स में चल रहे हैं, तो जेवलिन का लगता है एक खाता हम भी खोल देंगे और उसमें तांता लगा देंगे मेडल्स का। तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं अमित सरोहा, 2 पैरालंपिक खेल चुके हैं, बहुत क्लोज मार्जिन से चुके हैं, तो शायद अब उनका अनुभव उनकी परफॉर्मेंस में आएगा तो शायद मेडल की उम्मीद बन सकती है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जो बहुत क्लोज हैं और कभी भी उनका परफॉर्मेंस मेडल में परिवर्तित हो सकती है, तो बेहद उम्मीदें हैं, बेहद उम्मीदें हैं। आखिरी में मैं दो सवाल करना चाहूंगा। एक तो ये कि जब खिलाड़ी जो जीत जाते हैं उनको उनके ऊपर इनाम की उनकी तारीफों की बौछार हो जाती है, लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया, ये सोशल जी मीडिया पे लगातार चला है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी देश को आगे आना चाहिए, नंबर 1। इस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा, जब सफलता मिलती है जी तो जाति और धर्म के दायरे में हम देखना शुरू कर देते हैं खिलाड़ियों को। ये हमारा समाज का एक तरह से चरित्र है, वो सामने आया सोशल मीडिया पे। कम तबका है, इतना बड़ा तबका नहीं है, लेकिन फिर भी वो तबका है। क्या इस पे एक बतौर खिलाड़ी जी आपकी तो इन दोनों सवालों पर क्या राय है? मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मेरा निवेदन रहेगा आपके मन से पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि खिलाड़ी जब भारत का वो कहते हैं ना, आपने मिल्खा सिंह जी की पिक्चर में भी देखा होगा कि मिल्खा बन गया इंडिया, तो जब आप भारत के लिए खेलने जाते हैं तो आप एक इंडिया की जर्सी पहनते हैं, उसमें धर्म जाति भावना सब मात्र देश प्रेम की होती है, भावना अपने मातृभूमि के लिए होती है, अपने देश के लिए होती है, शान तिरंगे की होती है, और एक भारतवासी के रूप में हम अपनी तैयारी करते हैं। तो प्लीज मेहनत को सराहिए। वैसे भी स्पोर्ट्स इज अ लेवलर, स्पोर्ट्स इज अ मीडियम टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, खेल ऐसा द्वंद है जिसमें दोस्ती के साथ खेला जाता है, खेल ही एक मौका है जो हार के जीतना सिखाता है और जिसके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भाईचारे की भावना आती है। तो खेल को खेल की नजर से देखिए, खिलाड़ी का हौसला एक भारतवासी की तरह हौसला अफजाई करिए, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सोशल मीडिया है आप मुझे बताइए 135 करोड़ भारतीयों में से केवल 54 है जो खिलाड़ी बन के जा रहे, वह अपने आप में विजेता है, वह अपने आप में अपनी दिव्यांगता तो अब उनकी में आ गई है, लेकिन जब उनको ये शारीरिक कठिनाई आई होगी तब लोगों ने अपंग कहा, अबला कहा होगा, उदास कहा होगा, जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा, वो ऑलरेडी एक विनर है क्योंकि वो अपनी शारीरिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर अपनी मानसिकता को एक सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर अपने अंग भंग होने के बावजूद अपना खून पसीना बहाकर अपने देश की नुमाइंदगी करने इंडिया का ट्रैक सूट पहनकर बाहर जाते हैं। तो मेरे नजर में हर खिलाड़ी एक विनर है, ऑलरेडी इतने बड़े मंच में खेलना वो अपने आप में एक जीत का सूचक है। तो मैं तो उस हर खिलाड़ी की बहुत सराहना करती हूँ
जो पैरालंपिक के मंच में हमारे देश के लिए जा रहा है, मैं खुद वहां जाकर लौटी हूँ, मुझे पता है वहां तक की जर्नी। मुझे 12 साल लग गए थे वहां जाने में, 12 साल अपने जीवन के देना एक तपस्या को, और फिर ऐसे मंच में है। देवेंद्र झझरिया जी तो 12 पहले 8 साल, फिर 12 साल, अब फिर 5 साल, आप देखिए सालों सालों की कड़ी मेहनत। तो उसमें प्लीज ना जाति का रंग डालिए, ना कोई उसमें भागीदारी विभाजन, भागीदारी करिए, उसका भाग बनिए, लेकिन उसके भाग मत करिए। जी मैं तो बोला, और सरकारों की भूमिका पर क्या कहिएगा, जो पदक हासिल करते हैं उनको बहुत नवाजा जाता है और ये लाजमी भी है, उनको सम्मान मिल, लेकिन जो जिन्होंने संघर्ष किया है उनके लिए घोषणाएं उस रूप में कम होती हैं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो भी खिलाड़ी आज जा रहा है वो सारे खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोस्थेटिक्स व्हीलचेयर मुहैया कराई गई है। जो टोक्यो पैरालंपिक की तैयारी है उसमें 50,000 रुपए महीना उनको मुआवजा दिया गया है, TADA जिसे कहते हैं, पॉकेट अलाउंस जिसे कहते हैं, उनको उनके कोचेस के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ऑलरेडी उनको सारी फंडिंग दी गई है। बाकी बात रही खिलाड़ियों के डिफरेंट प्रदेशों की, तो जैसे हमारा हरियाणा है उसने 5 लाख मुहैया कराए हैं, कुछ जो अदर स्टेट्स हैं जो अभी सुनने में आ रहे हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 8 लाख। तो ऐसा नहीं है, खिलाड़ी को जाने से पहले भी इनामी राशि काफी मिली है, और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है ऑलरेडी भी। लेकिन देखिए मेडल तो मेडल होता है, और जो मेडल जीतेगा तो वो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा तो खाएगा, तो मेडल के ऊपर भी। पर मेरा यहाँ से एक निवेदन है कि हरियाणा, यूपी ने अभी अनाउंस कर दिया है, दिल्ली भी आगे आया है, तो ये हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी से मेरा निवेदन है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक दिव्यांग खिलाड़ी के लिए जो प्राइज मनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो अर्जुन पुरस्कार हैं, आपने खुद बोला मैं खुद खेल रत्न अवार्डी हूँ, ये ऐसे सारे पुरस्कार, ऐसे सारे कैश अवार्ड प्लीज समान रूप से दीजिए। जैसे आप टोक्यो का कोई भी ऑफिशियल हैंडल उठा के देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के लोगों हमेशा एक साथ मिलेंगे आपको, ट्विटर अकाउंट भी देखेंगे तो दोनों लोगों मिलेंगे। अब तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये दोनों खेल एक ही माने जाएंगे, तो प्लीज इसमें असमानता ना करें, उसी हिसाब से स्टेट पॉलिसीज को भी आप बनाएं, और देशवासियों से भी मेरा निवेदन है कि उतना ही प्यार दें जितना एबल बॉडी एथलीट्स को ओलंपिक में दिया है। 24 अगस्त से शुरू हो रहा है टोक्यो में, कब भारतीय दल मेरे ख्याल से कल रवाना हो रहा है, कब आप जा रहे हैं? जी आज रात को मध्य रात्रि पहला दस्ता जा रहा है खिलाड़ियों का, लेकिन क्योंकि वहां पे कोविड के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, बहुत जल्दी भी आना अलाउड नहीं है, और खेलने के 48 घंटे के अंदर आपको वो वेन्यू छोड़ना भी पड़ेगा। मेरा बड़ा मन था कि सारी टीम इकट्ठे जाती और इकट्ठे लौटती, लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाएगा, हर एक का अपना डिफरेंट क्वारंटीन पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, उनकी शारीरिक लिमिटेशंस हैं, तो उनको देखते हुए अलग अलग दस्ते में ग्रुप्स में हम लोग जा रहे हैं वहां पे, और लौटते समय भी मुझे लगता कि सारे मेडल विनर्स एक साथ उतरते और पूरा भारत जश्न मनाता, लेकिन क्योंकि कोविड है जैसे ही खिलाड़ी मेडल जीतेगा 48 घंटे में लौटेगा, मुझे और खुशी हो रही है एक तरीके से कि बार बार हिंदुस्तान जश्न मनाएगा, क्योंकि जब एक मेडल विनर प्लेन से उतरेगा तो जश्न का माहौल हो जाएगा। बिल्कुल आप वहां पर जाइए और बिल्कुल मेडल है उनकी छड़ी लगाइए, आम तमाम जो हिंदुस्तानी उनकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और इंतजार रहेगा एक विजेता के तौर पर वापस लौटें और एक बार फिर आपके साथ में मुखातिब होंगे पदकों की फहरिस्त के साथ में। दीपा मलिक है, एक बार फिर उनसे मुखातिब होंगी टीवी भारत के तमाम दर्शकों से ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय दिया इतना व्यस्त समय में। विशाल जी बहुत धन्यवाद इन खेलों के बारे में जागृति पैदा करने के लिए, आप इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लोगों से हमें मुखातिब कर रहे हैं, तो जरूर पैरा
स्पोर्ट्स के प्रति हिंदुस्तान का प्यार और बढ़ेगा। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।